हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट में एरर के बारे में, कि किसी भी प्रकार के मेजरमेंट में कितने प्रकार की एरर हो सकती है, और हमने मैथमेटिकली एरर को कैलकुलेट भी किया था। उसके साथ ही हमने ये देखा था कि जब भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है, लेकिन जब भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है तो उनकी अपेक्षित त्रुटियां आपस में जुड़ती हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जब भौतिक राशियों को एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है, मतलब भाग किया जाता है, तब उनकी कौन सी त्रुटियां जुड़ती हैं या घटती हैं। और उसी के साथ हम उस पर एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एरर्स इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एरर्स इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एरर्स इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जब भौतिक राशियों को भाग किया जाता है तब उनकी कौन सी त्रुटियां जुड़ती या घटती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने बात करी थी किसी भी भौतिक राशि को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें लंबाई को व्यक्त करना है तो हम लिखते हैं L प्लस माइनस डेल्टा L। यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम उसके मापित मान में उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको जोड़ते और घटाते हैं, इस प्रकार से हम भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है और इसकी अपेक्षित त्रुटि किस प्रकार से लिखी जाती है, डेल्टा एल अपॉन एल से। तो ये लंबाई में अपेक्षित त्रुटि कहलाती है, और इसी अपेक्षित त्रुटि को अगर मैं 100% से गुणा करूँ तो इसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम हमारे पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए और देन आपको ये लेक्चर देखना है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एरर्स इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, की जब फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाता है तो उनकी कौन सी बहुत जो एरर्स हैं वो ऐड होती है। तो मान लेते हैं, लेट एक फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a अपॉन b। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि x बराबर लिखा जाता है a अपॉन b से, दो भौतिक राशियों के डिवीजन से किसी भौतिक राशि को दिया जाता है, वेयर डेल्टा ए ए में निरपेक्ष त्रुटि है, ए में निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा बी बी में निरपेक्ष त्रुटि है, और इसी प्रकार डेल्टा एक्स जो है वो एक्स में निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, क्या बताया हमने कि कोई भौतिक राशि है x जो दो भौतिक राशि a और b के डिवीजन से दी जाती है, डेल्टा a में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b में निरपेक्ष त्रुटि, और डेल्टा x मान लेते हैं x में निरपेक्ष त्रुटि है। तो हमने पढ़ा अभी जस्ट कि किसी भी भौतिक राशि को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है उसके मापित मान में उसकी निरपेक्ष त्रुटि को जोड़ और घटा के। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और अपॉन b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। ऑलराइट गाइस, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन लिया, इसका मतलब हमें अंदर x का भाग देना पड़ेगा। तो x में x का भाग दिया और प्लस माइनस डेल्टा x में भी x का भाग दिया, is equal to, यहां से मैं a कॉमन ले लेता ऊपर से, तो a कॉमन लेने का मतलब है अंदर a का भाग देना पड़ेगा, तो a में भी a का भाग, प्लस माइनस डेल्टा a में भी a का भाग, और अपॉन नीचे से मैं b कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। सो इन दैट केस b कॉमन लिया, ये b कॉमन, तो अंदर b का भाग देना पड़ेगा, तो b में भी b का भाग और प्लस माइनस डेल्टा b में भी b का भाग। ऑलराइट, अब देखिए a अपॉन b जो है a अपॉन b, तो a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो हम इस a अपॉन b की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे।
इन दैट केस हमारे पास क्या आ जाएगा, x, ये x अपॉन x कितना आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b की जगह लिखेंगे x, तो ये आ जाएगा x, a अपॉन a क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और अपॉन 1 b अपॉन b 1, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b, क्लियर। यहाँ से देखिए x से ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास, मेरे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ये वाला बचेगा मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पे इसकी घात 1 है गाइस, जब ये पूरा ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इस पूरे की पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b इस पूरे की घात माइनस 1। अब देखिए जब पावर माइनस 1 होती है तो इसे द्विपद प्रमेय से सॉल्व किया जाता है, बायनोमियल थ्योरम होती है, 11th क्लास में आप पढ़ते हो ये चैप्टर, 8वां चैप्टर आएगा आपके मैथमेटिक्स में, अगर आपके मैथमेटिक्स नहीं है तो आप बायनोमियल थ्योरम के बारे में नहीं पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर के पूरा होने के बाद मैं आगे कोई मैथमेटिकल, जब अपन ऑपरेशंस करेंगे और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको लॉग के बारे में भी बताऊंगा, लघुगणक, और ये जो मैंने अभी द्विपद प्रमेय यूज़ किए यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। अभी फिलहाल याद रखिए कि इसको द्विपद प्रमेय से सॉल्व किया जाता है, बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया जाता है, और जब इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे को तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इस पूरे को सॉल्व करने पर यह आता है 1 प्लस माइनस की जगह यह आ जाता है माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया है कि प्लस माइनस और माइनस प्लस का एक ही मतलब होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 को करेंगे, 1 को 1 से किया तो यह आ जाएगा 1, माइनस प्लस तो यह आ जाएगा माइनस प्लस, माइनस और प्लस, 1 को किससे करेंगे डेल्टा बी अपॉन बी से, तो डेल्टा बी अपॉन बी, काम खत्म। फिर इस डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, क्लियर गाइस। आप देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल, क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको पहले लिख देता हूँ तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे माइनस प्लस लिखा है, माइनस प्लस और प्लस माइनस सेम होता है, इनसे पहले वाले लेक्चर्स में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसको प्लस माइनस से लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस माइनस ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। हमने पढ़ा था कि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी इन दोनों का गुणनफल बहुत छोटी संख्या आती है, 0.000 समथिंग, मतलब इसको लगभग लगभग जीरो के बराबर माना जा सकता है। इन दैट केस सिंस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को लगभग हम जीरो के बराबर मानते हैं, तो मेरे पास बच किया जाता है, यह आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस कॉमन, तो डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनती है। अब देखिए ये फाइनल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, मैंने बताया था कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसको रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिप्रेजेंट करती है एक्स में आपेक्षिक त्रुटि, डेल्टा ए अपॉन ए में आपेक्षिक त्रुटि और डेल्टा बी अपॉन बी बी में आपेक्षिक त्रुटि को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या देखते हैं कि एक्स में आपेक्षिक त्रुटि का मान ए में आपेक्षिक त्रुटि और बी में आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर है। इसका मतलब कि जब दो भौतिक राशियों को भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उस स्थिति में इनकी आपेक्षिक त्रुटियां आपस में जुड़ जाती है, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो उसके बाद अपने फेयर नाम में कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। हमने बेसिकली क्या पढ़ा, जब भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है, जब भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तब उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है गाइस, निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन जब भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है
या भाग किया जाता है, दोनों ही केस में इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। इनकी क्या जुड़ती है? आपेक्षिक त्रुटियां। तो स्टेटमेंट बेसिकली किस प्रकार से लिखेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ओके, सो बाय दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट, अतः भौतिक राशियों को भाग करने पर इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं, इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। याद रखने वाली चीज है कि भौतिक राशियों को जब अपन भाग भी करते हैं तब इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। गुणा करने पर भी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं और भाग करने पर भी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, अब अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन आपके एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। इस पूरे को रख कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यदि किसी तार के सिरों पर विभव V बराबर 200 प्लस माइनस 5, 200 प्लस माइनस 10 वोल्ट एवं उसमें प्रवाहित धारा I is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर से दी जाए। हो तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन समझो। वायर दे रखा है, उस वायर के सिरों पर विभव का मान दे रखा है 200 प्लस माइनस 10 वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमें पता होना चाहिए इस आई वी और आर में रिलेशन, तो ओम का नियम आपने पढ़ा है 10th क्लास में। सॉल्यूशन में विभव धारा के बीच में संबंध ओम का नियम होता है। ठीक है, सो ओम के नियम से, ओम के नियम से वी बराबर होता है आई आर, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है वी बराबर होता है आई आर। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, हमें प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो आर बराबर आ जाएगा वी अपॉन आई, यानी प्रतिरोध जो है वो विभव और धारा के अनुपात से दिया जाता है, इनके भाग से दिया जाता है। और हमने अभी पढ़ा कि जब भौतिक राशियां भाग में होती है, डिवीजन में होती है, तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। तो इस केस में यहाँ पर ये मेरे पास दे रखा है वी प्लस माइनस डेल्टा वी और ये मेरे पास दे रखा है आई प्लस माइनस डेल्टा आई। तो इस केस में, इन दिस केस आर में जो आपेक्षिक त्रुटि आएगी डेल्टा आर अपॉन आर, उसका मान किसके बराबर आएगा?
उसका मान इस विभव में आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा वी अपन वी और प्लस धारा में आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर है। हम पढ़ चुके हैं कि जब भी भौतिक राशियां गुणा में या भाग में होती है तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है, मतलब आर में प्रतिरोध में आपेक्षिक त्रुटि का मान विभव और धारा में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी कितना दे रखा है 10 और वी कितना है 200, ये आ जाएगा 10/200 और प्लस डेल्टा आई कितना दे रखा है 0.2 और अपॉन 10। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ लिख देते अपन, यह आएगा डेल्टा आर अपॉन आर बराबर 1/20 एंड प्लस 2/100 को लिख सकते हैं 1/50, कोई बात नहीं। हम इन दोनों का ले लेते हैं LCM, LCM कितना आएगा 100 आएगा, ये इसका 100 LCM, इसमें इसका भाग 5 बार प्लस इसमें इसका 1 बार, ये आ जाएगा क्लियर। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर बराबर 7/100। ये तो आपेक्षिक त्रुटि है गाइस, हमें क्या निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। इससे पहले वाले में लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, इन दैट केस प्रतिशत त्रुटि का जो मान है वो आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करके निकाला जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%, तो यह आ जाएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आपेक्षिक त्रुटि कितनी है 7/100 और इंटू 100 से 100 कैंसिल, परसेंटेज एरर मेरे पास वैल्यू आएगी 7%, मतलब प्रतिरोध में 7% की त्रुटि होगी। क्लियर है गाइस, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ये बेसिकली हमने डिस्कस किया कि भौतिक राशियां जब भाग में होती है तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है, उस पर क्वेश्चन भी देख लिया। इसके साथ हम और क्वेश्चन भी देखेंगे हमारे अगले वाले वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम भौतिक राशियों पर जब पावर चढ़ाई जाती है तो उनकी कौन सी त्रुटियां किस प्रकार से ऐड होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में, थैंक यू सो मच।